करीब एक हफ्ते से बिहार की हालत बद से बदतर रही है। पटना में और भी ज्यादा मुश्किलें हैं, हालात बदस्तूर जारी हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। पटना के राजेंद्र नगर की हालात क्या है, हमारे सहयोगी एस के राजीव ने वहां का जायजा लिया। राजेंद्र नगर में आप देख सकते हैं कि यहां का क्या नजारा है। यहां पर नजारा यह है कि देखकर थोड़ी देर के लिए आप भी गमगीन हो जाएंगे। अभी भी लगभग 7 दिन हो चुके हैं लेकिन इन इलाकों में अभी भी पानी का जमा हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि पानी अब धीरे धीरे घट रही है, लेकिन जो पानी है वो पानी अब सर रहा है, लिहाजा अब वो पानी बदबू भी देने लगा है। इन इलाकों के लोग लगभग अपने घरों को छोड़ करके बाहर निकल चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल यहाँ मौजूद है, जो लोगों को रेस्क्यू करके निकाल भी रही है बाहर से। लेकिन स्थिति अभी भी पटना की जो आप कह सकते हैं पटरी पर लौट आई है, तो अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकाल रही है। कई जो एनजीओज हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियाँ हैं फिलहाल अभी स्थिति को सामान्य होने में कम से कम अभी 3 से 4 दिनों का और वक्त लगेगा। पटना से इसके राजीव आर 9।